hello everyone uh, my name is pratik handelwal and today we will be studying a new chapter that is linear equation in one variable so let us start linear equation in one variable

किसी भी पॉलिनॉमल को या किसी भी हम स्टेटमेंट को इक्वेशन तब बोलेंगे जब उसमें इक्वल्स टू का साइन आएगा जैसे मैं बोलूं टू एक्स इक्व टू फोर अब यहाँ पे ये क्या है एक इक्वेशन है क्यों है इक्वेशन क्योंकि इक्वल्स टू का साइन आ गया है इक्वेशन हमें ये बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ वैल्यूज़ हैं और राइट हैंड साइड पे कुछ वैल्यूज़ हैं जो इक्वेशन के लेफ्ट साइड में होता है उसे हम बोलते हैं एल एच एस दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। और जो इक्वेशन के राइट right साइड में होता है उसे हम बोलते हैं आर एच एस दैट इज राइट हैंड साइड। अब किसी भी स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए या किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इक्वल टू का साइन होना जरूरी है Without equals to sign, we cannot solve the statement or equation. Okay. Second thing is variable. What is variable? Variable kya क्या होता है देखो वेरिएबल वो चीज़ है जो वेरी करती है नाम से पता चल रहा है वेरिएबल जो वेरी करती है जो बदलती रहती है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल अब कोई भी जैसे ये इक्वेशन है टू एक्स माइनस सिक्स इक्व टू जीरो हमने एक इक्वेशन ली अभी इक्वेशन है कि नहीं कैसे पता चलेगा इक्वल टू का साइन है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है राइट हैंड साइड पे कुछ है राइट हैंड साइड पे जीरो होगा तब भी वो इक्वेशन ही कहलाएगी ठीक है तो इक्व टू का साइन होना ज़रूरी है अब इस इक्वेशन में हमें कैसे पता चलेगा कि वेरिएबल क्या है क्या वेरी कर रहा है क्या बदल सकता है वेरिएबल वो चीज़ होती है जो चेंज हो सकती है यहाँ पे टू इज़ कॉन्स्टेंट टू हमेशा टू ही रहेगा हम टू को थ्री नहीं लिख सकते टू हमेशा टू रहेगा सिक्स हमेशा सिक्स रहेगा जीरो भी हमेशा ज़ीरो रहेगा तो इन चीज़ों को बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स इन चीज़ों को क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स और जो चीज़ वेरी कर सकती है दैट इज़ एक्स एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एंड इट डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन तो एक्स की वैल्यू वेरी करती है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं वेरिएबल तो अगर कोई और एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए थ्री एक्स ये भी एक वेरिएबल है थ्री की वैल्यू तो सेम रहेगी तो थ्री को क्या बोलेंगे हम दिस टू एंड सिक्स आर कॉन्स्टेंट इन दिस इक्वेशन लेट अस टेक थ्री थ्री इज कॉन्स्टेंट एंड नाइन इज आल्सो कॉन्स्टेंट मैं व्हाट इज नॉट कॉन्स्टेंट एक्स द थिंग विच इज नॉट कॉन्स्टेंट इज द वेरिएबल एक्स क्या है यहां पे हमारा वेरिएबल है ठीक है तो इक्वेशन क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है ये समझ में आ गया होगा अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पहले हम देखते हैं वन वेरिएबल का मतलब क्या है देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ एग्जाम्पल लिया, थ्री एक्स प्लस फोर इक्व टू फाइव अब वन क्या होता है, है जिसमें सिर्फ एक ही हो। अब इस पूरी में हमें दिख रहा है कि एक ही वेरिएबल है एंड दट इज x. तो वन वेरिएबल क्या होगा कि पूरी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं टू वेरिएबल्स क्या बोलते हैं टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स ठीक है यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो हम क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल और एग्जाम्पल देखते हैं इसके एक्स की जगह वाई भी हो सकता है लेकिन वेरिएबल एक ही होना चाहिए फोर वाई प्लस एट इक्वल्स टू इलेवन अब ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि इक्वल्स टू तो का साइन आ गया तो अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है फोर एट एंड एलेवन इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होगी लेकिन हमारा वेरिएबल क्या हुआ वाई वेरिएबल क्या हुआ वाई तो यहां पे हमारा वेरिएबल है वाई ठीक है और ए की वेरिएबल इसलिए ये क्या है लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल ठीक है समझ में आया उसके बाद हमारा होता है लीनियर इक्वेशन क्या होता है लीनियर लीनियर का मतलब क्या हुआ लीनियर का मतलब हुआ कि जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी हाइएस्ट पावर क्या होनी चाहिए वन उसकी हाइस्ट पावर क्या होनी चाहिए वन पावर क्या होती है जैसे ये एग्जाम्पल था हमारा थ्री एक्स प्लस फोर इक्व टू फाइव अब हमें सिर्फ वेरिएबल चेक करना है लीनियर को चेक करने के लिए ठीक है वेरिएबल हमारा एक्स है पावर होती है जो एक्स के यहाँ पे लिखी रहती है यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा तो वन होगा तो यहाँ पे अगर थ्री एक्स प्लस फोर इक्व टू फाइव लिखा हुआ है तो एक्स की पावर कितनी है वन है तो एक्स की पावर यहाँ पे क्या है वन जब भी पावर जब भी पावर वन होगी मैक्सिमम मैक्सिमम वन होगी उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन वो होता है अगर वेरिएबल जो भी वेरिएबल है इक्वेशन में उसकी मैक्सिमम पावर वन है तो उसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन तो यहाँ पे, कितनी यहाँ पे पावर कितनी है वन आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए दिस फोर वाई प्लस एट इक्वल्स टू इलेवन यहाँ भी वाई की हाइएस्ट पावर कितनी है वन तो ये भी क्या हुआ एक लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल कितना है एक वेरिएबल है दैट इज वाई और उसकी पावर क्या है वन तो क्या हुआ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो पूरी डेफिनेशन क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की इफ an equation having one variable have maximum power maximum power as 1

वेरिएबल भी वन होना चाहिए और उसकी पावर मैक्सिमम भी क्या होनी चाहिए वन होनी चाहिए देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन फॉर लीनियर इक्वेशन ऑफ इन विन वन वेरिएबल ओके लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ओके बिफोर दैट विल फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन वॉट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन सी हाउ वी डिनोट लीनियर इक्वेशन In a standard form. Standard form is see any linear equation is written as Ax plus B equals to 0. Ax plus B equals to 0. This is the standard form of a linear equation where A and B. इस इक्वेशन में जो ए और बी है वो यहां पे क्या है ए एंड बी आर रियल नंबर्स ए एंड बी आर रियल नंबर्स और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है ए एंड बी ए एंड बी ये साइन बोलता है बिलोंग्स टू जेंट्स बिलोंग्स टू ए एन बी बिलोंग्स टू आर आर इज अ रियल नंबर तो इस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने क्वेश्चन वन वेरिएबल का वेयर ए एन बी आर रियल नंबर ए और बी रियल नंबर होंगे नेगेटिव नंबर हो सकते हैं राशनल नंबर हो सकते हैं पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं ठीक है एक और कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि ए और बी रियल नंबर होने चाहिए सेकंड कंडीशन है ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो नॉट इक्वल्स टू का साइन है किसका साइन है नॉट इक्वल्स टू तो ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो अगर ए जीरो हो जाएगा अगर ए जीरो होता है या हो जाएगा तो जीरो इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा जीरो आएगा जीरो इंटू एक्स क्या जीरो आएगा जीरो ज़ीरो आएगा तो फिर हमें कोई वेरिएबल की वैल्यूज़ नहीं मिलेगी वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे यहाँ पे वेरिएबल क्या है एक्स है अगर एक्स ही ज़ीरो हो जाता है तो कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी इसलिए ए कैन नॉट बी इक्व टू जीरो ए और बी हमेशा रैशनल नंबर या रियल नंबर होंगे और ए कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ए एक्स प्लस बी इक्वस टू ज़ीरो इक्वेशन है क्योंकि इक्वल्स का साइन है लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ है राइट हैंड साइड पे कुछ है वेरिएबल एक्स है और कांस्टेंट है ए और पी और एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है वन है एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है वन है तो लीनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं थ्री एक्स माइनस सेवन इक्व टू फाइव सबसे पहले हमें यह बताना है कि यह लीनियर इक्वेशन में मनवेरिएबल है कि नहीं हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है सॉल्व करना हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे अभी हमें सिर्फ ये बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है या नहीं अब देखिए इक्वल्स टू का साइन है तो इक्वेशन तो है लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ है राइट हैंड साइड पे कुछ है तो इक्वेशन पता चल गया वेरिएबल है इसमें हाँ है एक्स इज वेरिएबल कांस्टेंट है है सर थ्री फाइव एंड सेवन आर कांस्टेंट अब हमें पता करना है वन वेरिएबल है ओनली वन वेरिएबल वी हैव एक्स लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कैसे पता चलेगा एक्स की, की कितनी है वन है तो ये क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओके सेकेंड लेट टेक अनादर एग्जाम्पल एक्स प्लस फोर प्लस फाइव इक्व टू सिक्स ओके एक्स प्लस फोर इक्व एक्स एक्स अपॉन फोर प्लस फाइव इक्व टू सिक्स हमें कुछ भी चेक नहीं करना अभी हमें सॉल्व नहीं करना है हमें बस ये आइडेंटिफाई करना है इफ इट इज अ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल और नॉट ओके सी दिस इज इक्वेशन क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ है राइट हैंड साइड पे कुछ है वेरिएबल है हमारे पास कौन है वेरिएबल x है x की मैक्सिमम पावर कितनी है वन है तो ये क्या हुआ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थर्ड लेते हैं थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्व टू एट थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्व टू एट अब आप देखिए कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है कि नहीं सबसे पहली बात इक्वेशन चेक करते हैं इक्वस टू का साइन है, है तो ये इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ है राइट हैंड साइड पे कुछ है उसके बाद हम चेक, चेक करते हैं कि वेरिएबल्स कितने हैं हम यहाँ कांस्टेंट है थ्री टू और एट लेकिन वेरिएबल कितने हैं एक तो एक्स दिख रहा है सर और एक वाई दिख रहा है सर तो हमारे पास दो वेरिएबल हो गए लेकिन हमें क्या चाहिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल चाहिए तो वन वेरिएबल तो नहीं है तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है ये क्या है अब जो ये वेरिएबल है दो हमारे पास एक्स और वाई इनकी पावर कितनी है एक्स की पावर भी वन है और y की पावर भी वन है तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल्स वी हैव टू वेरिएबल्स हियर तो ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं है ये किसका एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्लियर देन टेक वन मोर एग्जाम्पल एक्स अपॉन थ्री प्लस एक्स अपॉन टू इक्वल्स टू सिक्स ओके अब हमें चेक करना है इक्वेशन है कि नहीं equation है क्योंकि इक्वल्स टू का है लेफ्ट साइड राइट साइड क्लियर है फिर वेरिएबल देखना है वेरिएबल कितना है इसमें एक ही वेरिएबल है एक्स वो दो बार आ रहा है लेकिन वेरिएबल कितना है एक ही वेरिएबल है उसे कौन सा वेरिएबल है एक्स लेकिन ये आ कितनी बार आ रहा है दो बार तो कोई फर्क नहीं पड़ता है वेरिएबल एक ही है इसे है, इसे हम टू वेरिएबल नहीं बोलेंगे यहाँ पे x ही है यहाँ पे क्या था एक x था एक y था ठीक है यहाँ पे दो ही वेरिएबल है हाँ वह एक ही वेरिएबल है x और मैक्सिमम पावर कितनी x की यहाँ पे भी वन है यहाँ पे भी वन है तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ये भी है और ये भी है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक हम हम पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन अब हम इसको सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन को कि सोल्यूशन क्या होते हैं ओके okay? सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन अब सोल्यूशन क्या होते हैं लीनियर इक्वेशन के हमारे पास कोई भी एक लीनियर इक्वेशन इन नॉन वेरिएबल है उसे हमने सॉल्व किया उसे हमने सॉल्व किया लेफ्ट साइड राइट साइड को सॉल्व करके हमारे पास कुछ एक्स की वैल्यू आई अगर वो वैल्यू अगर वेरिएबल की कोई वैल्यू किसी इक्वेशन को ट्रू स्टेटमेंट बनाती है तो उसे हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन डेफिनेशन क्या है एनी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच मेक्स एन इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट

वेरिएबल की ऐसी वैल्यू एक्स या वाई या ए या वी कुछ भी वेरिएबल हो सकता है तो किसी भी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को एक ट्रू स्टेटमेंट बताती है विच मेक्स एन इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट देन दैट वैल्यू इज सॉल्यूशन और रूट ऑफ दैट इक्वेशन मतलब क्या हुआ एग्जाम्पल लेते हैं हमने पहले फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था थ्री एक्स माइनस सेवन Uh, equals to टू लेट से टू ओके ये हमारे पास एक क्वेश्चन है लीनियर क्वेश्चन हमें एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है इक्वल है क्योंकि इक्व टू का साइन है तो हमें एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करनी है एनी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एक्स वेरिएबल है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे क्वेश्चन क्या बन जाए एक ट्रू स्टेटमेंट बन जाए तो हमें एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करनी है अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं अब देखो एक्स की वैल्यू हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको चार ऑप्शन देता हूँ एक्स की चार वैल्यू ले लें एक्स कैन बी फर्स्ट वन सेकेंड टू थर्ड थ्री एंड फोर्थ फोर हमारे पास x की चार वैल्यू हो सकती है वन टू थ्री और फोर मैंने चार ऑप्शन दिए आपको आप वैल्यू पुट करके देखो कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करनी है तो हम पहला फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं एक्स की वैल्यू वन रखते हैं एक्स की वैल्यू जब मैं यहाँ पे वन रखूंगा तो थ्री इंटू वन माइनस सेवन साइड सॉल्व कर रहे हैं अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो सही है अगर अदरवाइज रॉन्ग है तो थ्री इंटू वन कितना होता है थ्री माइनस सेवन करेंगे तो कितना आएगा थ्री माइनस सेवन इज माइनस फोर हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पे माइनस फोर आ रहा है और राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है टू क्या ये दोनों इक्वल है नहीं तो एक्स इक्व टू वन एक्स इक्व टू वन तो हमारा आंसर नहीं होगा और एक्स इक्व टू वन हमारा सोल्यूशन भी नहीं होगा ना रूट होगा तो जो भी हमारा वैल्यू सेटिस्फाई करती है उसे हम क्या बोलते हैं सोल्यूशन या रूट तो एक्स की वैल्यू वन तो नहीं होगी नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं एक्स की वैल्यू टू पुट कर एक्स की वैल्यू टू पुट करते थ्री इंटू टू माइनस सेवन थ्री टू जा सिक्स माइनस सेवन दैट इज माइनस वन हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आया माइनस वन आया राइट हैंड साइड पे क्या है टू है क्या ये दोनों सेम है नहीं है तो की वैल्यू टू भी नहीं होगी अस टेक अनदर ऑप्शन द थर्ड ऑप्शन दैट इज थ्री तो थ्री इंटू थ्री माइनस सेवन थ्री इंटू थ्री इज नाइन नाइन माइनस सेवन इज टू अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आया हमारा टू आया और राइट हैंड साइड पे भी क्या है टू है क्या दोनों वैल्यू इक्वल है हाँ बिल्कुल इक्वल है तो एक्स की वैल्यू कितनी है थ्री है थ्री पे एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो हमारा इस इक्वेशन का सोल्यूशन या रूट क्या होगा थ्री अब डेफिनेशन देखो आप एनी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल वेरिएबल की ऐसी वैल्यू विच मेक्स एन इक्वेशन इस इक्वेशन को एक ट्रू स्टेटमेंट बनाती है ये इक्वेशन एक्स की वैल्यू जब हमने थ्री रखी तो पूरी इक्वेशन को एक ट्रू स्टेटमेंट बनाया तो उसे हम बोलेंगे सोल्यूशन या रूट ऑफ दैट इक्वेशन तो थ्री क्या होगा इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा या रूट होगा ठीक है क्लियर yeah. है हम फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं फोर पुट करके देखते हैं थ्री इंटू फोर माइनस सेवन थ्री फोर से ट्वेल्व माइनस सेवन दैट इज फाइव ये भी इक्वल नहीं आ रहा है. तो कौन सा ऑप्शन सही है थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ओके तो ये होता है हमारा सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन कोई भी ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो किसी इक्वेशन को ट्रू स्टेटमेंट प्रूव करे उसे हम बोलते हैं सल्यूशन या रूट चलिए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं एग्जाम्पल verify that verify that x equals to 3 is x equal hame verify karnaiki x equals to 3 is a root of equation is a root or solution of equation टू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू इलेवन ठीक है हमें क्या वेरीफाई करना है वेरीफाई दैट एक्स इक्वल टू थ्री इज अ रूट ऑफ अ रूट और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस वेरीफाई करना है कि एक्स की वैल्यू एक्स वेरिएबल है वेरिएबल की वैल्यू थ्री है हमें थ्री वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन में देखना है तो ये देखना कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं तो करते हैं सोल्यू सोल्यूशन देखो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है थ्री दी हुई है यहाँ पे पुट करनी है ये इक्वेशन है हमारे पास टू एक्स प्लस फाइव इक्व टू इलेवन अब हम इक्वेशन को दोनों तरफ से सॉल्व नहीं करते लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड चेक कर लेंगे ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास ये एक्स की वैल्यू क्या है थ्री तो टू इंटू थ्री प्लस फाइव दैट इज सिक्स प्लस फाइव एंड दैट कम्स आउट टू बी एलेवन तो इलेवन हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया और राइट हैंड साइड भी क्या है इलेवन तो क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं आ रहे हैं तो x इक्व टू थ्री इसका सोल्यूशन है कि नहीं है बिल्कुल है तो x इक्व टू थ्री इज अ रूट और सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन ठीक है एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं दर एक्स इक्व टू माइनस टू एक्स इक्व टू माइनस टू इज अ रूट ऑफ इक्वेशन इज अ रूट ऑफ इक्वेशन फोर एक्स प्लस नाइन इक्वल टू वन हमें चेक करना है कि एक्स की वैल्यू अगर माइनस टू हम पुट करते हैं तो यह इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है सॉल्व करते हैं सोल्यूशन एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस टू तो फोर इंटू माइनस टू प्लस नाइन अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड हमें कुछ करना है नहीं है हमें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को चेक करना है लास्ट तो फोर इंटू माइनस टू इज माइनस एट माइनस एट प्लस नाइन इज माइनस एट और नाइन कितना होता है वन होता है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आया हमारा वन आया और राइट हैंड साइड भी क्या आया वन आया तो क्या एक्स इक्व टू माइनस टू रूट होगा बिल्कुल होगा तो एक्स इक्व टू माइनस टू इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन ठीक है तो ये दो एग्जाम्पल हो गए एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको आप वीडियो पॉज करके ट्राई करके और फिर हम डिस्कस करते हैं Check whether x equals to six is a root of equation. आपको चेक करना है कि अगर x की वैल्यू हम सिक्स पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड बराबर आता है या नहीं इक्वल आता है कि नहीं ठीक है आप वीडियो को पॉज करें पॉज करने के बाद इसको आप सॉल्व करें सॉल्व करने के बाद हम चेक करते हैं ठीक है तो इसका सोल्यूशन देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है सिक्स है एक्स की वैल्यू इज सिक्स दैट इज गिवन द क्वेश्चन ओके हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है टेन एक्स प्लस इलेवन एक्स इज सिक्स तो टेन इंटू सिक्स प्लस इलेवन टेन सिक्स था सिक्सटी प्लस इलेवन सिक्सटी प्लस इलेवन इज सेवेंटी वन हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आया सेवेंटी वन लेकिन राइट हैंड साइड पे क्या था सेवेंटी क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं नहीं तो x इक्व टू सिक्स सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा नहीं होगा x इक्व टू सिक्स इज Not, is not solution or root of the given equation. तो so, x equals to six is equation का solution नहीं है क्योंकि हमारे पास left hand side और right hand side equal नहीं आ रहा है, okay? Uh. Okay so that's it for today in next class we'll further learn how to solve the equations okay thank you